और क्या हाल है भाई लोगों, आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके। ये वीडियो होने वाला है सोलो वर्सेस स्कोर। इस वीडियो में मैंने बंदों को क्या ही भगा भगा के मारा है। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, इसीलिए वीडियो को अभी लाइक और कमेंट कर दो, प्लस सब्सक्राइब भी कर दो यार। ये भाई पता नहीं क्या करना चाह रहा था, एक गन तो ऑलरेडी थी, फिर भी भाई को दूसरी गन उठानी है और फिर कैंप करनी। पर खैर, कैंप करने की बारी आई नहीं बेचारी। जिन बंदों को नोक दिया है उनका किल चोरी हो जाए, उससे पहले मैं इनको फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बंदे लैंड करते हैं, चारों तरफ से इतना फायर होता है कि बंदों के फुट स्टेप तक नहीं सुनाई देते हैं। बंदे पीछे से आके पेल के चले जाते हैं और समझ ही नहीं आता बंदा कब आया था। मेरे ऊपर होते हैं यहाँ पे दो बंदे, मैं यहाँ पे एमओ उठा ही रहा होता हूँ तभी एक बंदा मेरे पे पुश कर देता है। इस बंदे को नोक देता हूँ तभी इसका टीममेट ग्रोजा लेके आ जाता है, मेरी फेवरेट गन। अब अपनी फेवरेट गन के लिए इस बंदे को मारना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे इसको देता हूँ नॉक, देता हूँ फिनिश। इस बंदे को फिनिश करके मैं हील कर रहा होता हूँ तभी सामने से आता है एक बोट। उस बंदे से ग्रोजा उठा के मैं आ जाता हूँ ऊपर। दो बंदों की लड़ाई में तीसरा हमेशा फ़ायदा उठाता है और वो मेरे साथ होता है आज। इस बंदे ने जिसको नॉक दिया उसका किल भी मेरे को मिल जाता है और उसको भी मैं ही मार देता हूँ। इस सामने वाला बंदा किसी एक बंदे को नॉक देता है तो पहले इसको मैं नॉक देता हूँ फिर फिनिश करता हूँ। अब बारी थी उसका किल चोरी करने की, तो मैं उड़ के उधर ही चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं ये किल चोरी करके और पीछे एक बोट आता है उसको भी मार के मैं आ जाता हूँ नीचे की साइड की। नीचे की साइड मेन इग्लू में होते हैं बंदे, एक बंदे को डैमेज देता हूँ वो कवर में चला जाता है। इग्लू के ऊपर एक बंदा होता है जो मेरे पे फायर देता है, उसको देते हैं नॉक और बंदों पे करते हैं पुश। ये वाला पुश मेरे को थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको फॉलो करता रह गया और ये मेरे को चिपका के चला गया। इन बंदों से मर के मैं वापस इधर ही आता हूँ और यहाँ पे देखना, ये बंदा अभी भी लूट रहा है। जिस बंदे को मैंने पहले नॉक दिया था उस बंदे को अभी तक इसने रिवाइव नहीं किया। यहाँ पे मैं आता हूँ तब तक ये बंदा नॉक हो जाता है। बाहर की साइड से कोई बंदे होते हैं जो इसको नॉक दे देते हैं, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से एमओ उठाता हूँ और गन रिलोड करता हूँ क्योंकि बाहर वाले बंदे मेरे पे पुश कर देते हैं। यहाँ पे एक बंदा नॉक देता हूँ, दूसरा बंदा आ जाता है, दूसरे वाले को भी देता हूँ नॉक, तब तक तीसरे बंदे का साउंड आ जाता है। इन तीनों को फिनिश करके मैं आता हूँ, एक सामने बंदा भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए। भागने तो नहीं दूंगा भाई। इस बंदे को नॉक फिनिश देके मैं पीछे आता हूँ तभी पीछे से मेरे पे फायर आता है। यहाँ से मैं उड़ के इवेंट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं लैंड करता हूँ मेन इग्लू से बंदे का फुट स्टेप आता है और ये वही बंदा होता है जिसने मेरे को मारा और अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं दिया था। यहाँ पे इस बंदे को फिनिश करके मैं आ जाता हूँ रूइंस की साइड। यहाँ सामने पे एक बंदा होता है जो गेट कीप करके खड़ा होता है, बंदा अच्छा खासा डैमेज देता है, बट बंदे को फिनिश करके मैं आ जाता हूँ अंदर की साइड और हील करता हूँ। इस गेम में मेरा नेटवर्क मेरे को काफ़ी परेशान करता है जिसकी वजह से मेरे थोड़े किल भी कम हुए थे। यहाँ आता हूँ, यहाँ होता है सामने एक बंदा जो ओपन में बैठ के हील कर रहा होता है, तो पहले इसको नॉक देता हूँ, ट्राई टू फिनिश, हो नहीं पाता, फिर वापस निकल के इसको फिनिश देता हूँ। इसके बाकी बंदों को ढूंढता हूँ, पहाड़ की साइड से मेरे को हल्का सा कुछ दिखता है, देखता हूँ एक बंदा होता है, इसको नॉक देता हूँ, इसको भी फिनिश देते हैं। यहाँ सामने की साइड एक बंदा होता है जो एक बंदे को फिनिश देता है, तो इसको मारने के लिए मैं आता हूँ इधर आगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा गेम ख़त्म ही था, बंदे की गन आती रिलोड और मैं उस पर पुश कर देता हूँ और फाइनली उसको फिनिश करता हूँ। मेरे हो जाते 23 किल।
अभी बचे थे 2 बंदे। मैंने सोचा 25 किल तो हो ही जाएंगे। फिर मेरे को थोड़ा काम आ गया तो मैं वो काम करने लग गया। तब तक एक बंदा फिनिश हो गया और पीछे से फायर आया था, तो उसको देखने के लिए मैं इधर आ गया। यहाँ पे मेरे को बंदा दिख जाता है। बंदे को एक हेड एक बॉडी पड़ता है, तो यहाँ से उड़ के बंदे के पीछे की साइड आ जाता हूँ और आखिरी बंदे को करते हैं फिनिश।